पतंजलि योगपीठ का साधुपुल प्रोजेक्ट, जिसे कांग्रेस कार्यकाल में राजनीतिक द्वेष के चलते लीज डील रद्द कर उसे सील कर दिया गया था, लेकिन अब भाजपा कार्यकाल में उसकी डील को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस निर्णय की वजह से सोलन भाजपा मंडल में बेहद खुशी देखी जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और ये दावा किया है कि जो वायदे उन्होंने चुनाव लड़ने के समय सोलन की जनता से किए थे, वो एक एक कर उन्हें पूरा करने का बेहद प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं वायदों में से एक वायदा साधुपुल के पास इस प्रोजेक्ट को बहाल करने का भी किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार की सहायता से आज पूरा किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ते समय साधुपुल के पतंजलि प्रोजेक्ट को बहाल करने का मुद्दा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी इस मांग को पूरा किया और पतंजलि की लीज को फिर से बहाल कर दिया। इस निर्णय की वजह से जहां पर करीबन 3,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा, साथ ही आसपास के गांवों की कायाकल्प भी होगी। इस निर्णय से भाजपा कार्यकर्ता और गांववासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वह इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि 2013 में पतंजलि योगपीठ की लीज डील को रद्द कर सील कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस योगपीठ पर इसलिए सवाल उठाया था कि योगपीठ को भाजपा सरकार ने 93 बीघा जमीन कौड़ियों के दाम पर लीज पर दी थी, इसीलिए उन्होंने इस पर विरोध जताया और बाद में इसे सील करवा दिया गया। अब भाजपा सरकार ने इस योगपीठ को फिर से लीज बहाल कर जमीन लीज पर दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि बाबा रामदेव इसे कब आरंभ कर पाते हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पुनः यह निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार ने ये जो भूमि आवंटित की थी पतंजलि पीठ को, उसे जो वापिस ले लिया था और ये निर्णय जो था वो एक द्वेष से भरा हुआ निर्णय था और इससे जो है यहाँ के लोगों में काफ़ी जो है रोष था और अब जो है लोग यहाँ पे जो है बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी, मैंने जो पहला जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को दिया, उसमें पहले ही पत्र में मैंने ये दिया था कि पतंजलि योगपीठ को जो भूमि आवंटित की गई थी उसे पुनः जो है इस जो है योगपीठ को दी जाए, क्योंकि इससे जो है यहाँ के युवकों के लिए जो है बहुत सारी रोजगार के जो है आयाम खुलने वाले, इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था मेरे चुनाव लड़ने का भी। इससे यहाँ के युवाओं को जो है बहुत सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में लगभग 3,000 के लगभग जो डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे और बाकी जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी उसका भी जो है एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15,000 के लगभग लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगी।